हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब लोग? मेरा नाम है गौरव, मैं यहाँ पे अल्जीरिया में हूँ, अल्जीरिया अल्जीरस में हूँ, और मैं एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। तो ये होगी मेरी बात। अभी मैं रिसेंटली फेब्रुआरी में मैं सहारा गया था, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बोलता हूँ। आपने मेरा पिछले वाले दो वीडियो देखे होंगे, सहारा Day 1 एंड Day 2, तो मैं आपको उसके बारे में और थोड़ा कुछ बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों ने बोले कि तू ऐसा कुछ वीडियो बना जिसमें तू कुछ डिटेल शेयर कर। तो मैं अभी तो यूट्यूब में नया नया हूँ, तब मैं अभी सीख रहा हूँ सब कुछ, और मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, सो उसके लिए माफ़ कर देना। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, उसको समझ सके। तो हम लोग का ऐसा हुआ, मैं और मेरा कलीग अजीनियो, हम दोनों स्टार्ट किए फेब्रुआरी 19 में। तो हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी को देखे पहले, तो कहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा। तो इंस्टाग्राम में मुझे एक ट्रैवल एजेंसी मिला, तो उनसे बात हुई, उनसे सब कुछ मतलब डिटेल्स में सब कुछ बात हुई और प्लान भी हुई। तो हम लोग का फ्लाइट टिकट बुक हुआ 19 फेब्रुआरी को। लेकिन 19 फेब्रुआरी को हुआ ये, हम लोग का फ्लाइट रात के 11:30 बजे था, तो हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए और 10 बजे तक पहुंच गए थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे फ्लाइट के लिए, लेकिन ये हुआ, हम लोग का उस दिन फ्लाइट कैंसिल हो गया। और कैंसिल क्यों हुआ? यहाँ पे जो एयर अल्जीरस है उनका जो एम्प्लॉयज़ है वो कुछ स्ट्राइक कर रहे थे, तो उस वजह से हम लोग का फ्लाइट कैंसिल हो गया। और हम लोग को ये भी पता नहीं था कि दूसरा फ्लाइट कब है, और उस पे मतलब हम लोग को बुकिंग कैसे करना है, या वो जो एग्जिस्टिंग बुकिंग था वो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा, या ऐसा ऐसा कुछ भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे लोग को मतलब इंग्लिश थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पे। तो वही प्रॉब्लम हुआ उस दिन। तो हम लोग हमारे एजेंट से बात किए कि ये हुआ, तो उन्होंने क्या कुछ करके उन्होंने बोले कि हाँ कल दोबारा फ्लाइट हो सकता है, तो आप एक काम करो, एक उस टाइम पे एयरपोर्ट चले जाओ फिर से। तो उससे पहले क्या हुआ, हम लोग को बोला गया कि फ्लाइट कैंसिल नहीं है, फ्लाइट है लेकिन अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3:30 4 o'clock। तो फिर हम लोग को रात वहाँ पे एयरपोर्ट में ही गुजारना पड़ा, ना हम लोग सोए या कुछ किए, बस बैठे रहे वहाँ पे अजीनियर में, बातचीत करते रहे। फिर भी इट वाज डिफिकल्ट। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन हम लोग का फ्लाइट मिला नहीं। तो फिर सुबह के 6 बजे हम लोग आ गए अपना घर, ये घर पे। तो फिर एजेंट से बात हुई, तो एजेंट ने बोला कि ठीक है, आपका नेक्स्ट डे 11:30 को आपका फ्लाइट है। तो हम लोग को नेक्स्ट डे 11:30 इन द इवनिंग हम लोग गए एयरपोर्ट एज यूजुअल। फिर वेट किए फ्लाइट का, उसका भी कुछ नामो निशान नहीं था फ्लाइट का, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये जो फ्लाइट है, ये हम लोग जो जगह जा रहे थे, इस जगह का नाम है जानेत। तो जानेत जानेत इज़ अ प्लेस वेर यू कैन एंटर सहारा। तो उसमें क्या होता है ना, आपको फ्लाइट है यहाँ से अराउंड 2,500 किलोमीटर या 3,000 किलोमीटर के आसपास है। फ्लाइट रात के 1 बजे या 2:30 बजे हम लोग को फ्लाइट मिला फाइनली जानेत के लिए, और ऐसे सडनली अनाउंस हुआ। हम लोग के जो टीम में और एक हम लोग के साथ थे, उनका नाम है ओमरदीप, वो जो कि एक फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और हम लोग के ट्रिप के लिए वो हम लोग को ट्रांसलेट कर रहे थे, तो हम लोग का ट्रांसलेटर भी थे। तो हम लोग को फाइनली फ्लाइट मिला, और आप ये फ्लाइट देख सकते हो। फाइनली हम लोग जानेत में लैंड किए। फिर करने के बाद हम लोग का ये जो गाड़ी आप जो देख रहे हो ना, ये गाड़ी हम लोग का बुकिंग था। ये जो टोयोटा हिलक्स है, ये 4x4 कार है, तो ये डेजर्ट में एकदम मक्खन की तरह जाता है। तो बस यही हुआ, और इसके आगे आप देख लो क्या होता है। I never made it, but I...
Oh, never in my life did I wanna see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're Mission Control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission Control, am I drifting? ये भाई साहब को जो आप देख रहे हो, इनका नाम है फैजल, फैजल भाई साहब। तो हमारे उमरदीप और इनके बीच में डिस्कशन हो रहा है कि मिल्की वे कहाँ पे दिखेगा, क्योंकि उमरदीप वो फोटोग्राफर है, तो उसको मिल्की वे का फोटो लेना है। उमरदीप फोटोग्राफर भी है और इस ट्रिप में वो हमारा ट्रांसलेटर, इंग्लिश ट्रांसलेटर भी है। तो उनको फैजल भाई साहब दिखा रहे हैं कि इस तरफ मिल्की वे दिखेगा, और वो हमारे लिए चाय भी बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डेजर्ट टी। हाजी न्यू यहाँ पे वो अपना ही एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पे खलीफा हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो खाने में मटन का सूप था और ब्रेड। ये जो सेटअप देख रहे हो ना आप लोग, गजब का, ये उन लोग का खाना बनाने का सेटअप है। कितना मस्त सेटअप है, देखिए कहाँ से भी हवा नहीं आएगा, कुछ नहीं, आराम से वो खाना बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अच्छा अच्छा फोटो जो कि मैंने लिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे अच्छा लगता है बस, और मोटिवेट भी मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते सब, घर पर ही रहिए, स्टे होम स्टे सेफ़।